नमस्कार दोस्तों, क्लास 12th बायोलॉजी के बारे में आज हम बात करेंगे। 12th क्लास बायोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे, हमारा टॉपिक है आवर्त बीजीय पादपों में जनन, रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म प्लांट। देखिए, चैप्टर के अंदर हम जाए इससे पहले हम थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं। हम ये देख लेते हैं कि एंजियोस्पर्म होते क्या हैं, आवर्त बीजी प्लांट हैं क्या, इनके मुख्य लक्षण क्या हैं, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स इनके क्या हैं, मेन फीचर्स इनके क्या हैं। तो देखिए, शुरू करते हैं। एंजियोस्पर्म को कहा जाता है फ्लावरिंग प्लांट, पुष्पीय पादप। ऐसे पुष्पीय पादप, ऐसे फ्लावरिंग प्लांट जिनमें एनक्लोज्ड सीड पाए जाते हैं, कवर्ड सीड पाए जाते हैं, यानी जो बीज हैं वो फल के भीतर उपस्थित होते हैं, न कि नेक्ड। देखिए, यहाँ पर एक बेसिक जो डिफरेंस की बात करें, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बीच में एक बेसिक डिफरेंस भी यही है। जहाँ तक जिम्नोस्पर्म की बात है, हमने कहा था नेक्ड सीड प्रेजेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पर एंजियोस्पर्म के अंदर सीड नेक्ड न होकर फल के भीतर कवर्ड रहते हैं, यानी एनक्लोज्ड सीड इनको कहा जाता है। एंजियोस्पर्म पाए कहाँ जाते हैं, तो इनके हैबिटेट की बात करें, आवास की बात करें, देखिए एंजियोस्पर्म जो है वो लगभग सभी प्रकार के हैबिटेट में, आवासों में पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, जीरोफिटिक एनवायरनमेंट। जीरोफिटिक एनवायरनमेंट यानी शुष्क परिस्थितियों वाला वातावरण, या हम कह सकते हैं मरुद्भिद एनवायरनमेंट के अंदर। देखिए, राजस्थान का जो एनवायरनमेंट है वो लगभग जीरोफिटिक एनवायरनमेंट है, और इस जीरोफिटिक एनवायरनमेंट के अंदर हम देखते हैं हमारे आसपास नागफनी के पौधे काफ़ी पाए जाते हैं। तो ये जो नागफनी या ओपेंसिया, ये एक बेस्ट एग्जांपल है जीरोफिटिक एनवायरनमेंट में पाए जाने वाले एंजियोस्पर्म का। नेक्स्ट हम देखें हाइड्रोफाइट्स यानी जलोद्भिद। हाइड्रोफिटिक एनवायरनमेंट के अंदर हाइड्रिला व वेलिसनेरिया। नेक्स्ट देखें हेलोफाइट्स। हेलोफाइटिक एनवायरनमेंट के अंदर, लवणीय एनवायरनमेंट के अंदर जोस्टेरा मेराइना, ये नाम अपने थोड़ा याद रख लें। हेलोफाइट्स जो हैं, या हेलोफाइटिक एनवायरनमेंट के अंदर लवणीय वातावरण के अंदर पाए जाने वाला जो एंजियोस्पर्म है, जोस्टेरा मेराइना है। नेक्स्ट हम देखें एपीफाइट्स। कुछ एंजियोस्पर्म होते हैं जो एपीफाइट्स भी होते हैं। थोड़ा सा देख लें एपीफाइट्स होते क्या हैं। एपीफाइट्स का मतलब होता है अधिपादपीय, ऐसे प्लांट जो किसी अदर प्लांट पर ग्रोथ करते हैं, ऐसे छोटे पादप जो किसी अन्य प्लांट या पौधे पर, पादप पर ग्रोथ करते हैं, वृद्धि करते हैं, उनको कहा जाता है अधिपादप या एपीफाइट्स। एपीफाइट्स एक इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा इनका याद रख लें। वांडा आर्किड, वांडा आर्किड, ये सारे के सारे क्या हैं, एपीफाइट्स हैं। देखिए, हमने ये तो बात कर ली कि इनका मुख्य आवास क्या है, अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि इनका स्वभाव कैसा है, एंजियोस्पर्म के अंदर जो हैं वो कैसे प्लांट आते हैं। देखिए, एंजियोस्पर्म के स्वभाव की बात करें प्लांट्स की, तो हम कह देते हैं लगभग तीनों प्रकार के स्वभाव वाले जो प्लांट हैबिट वाले जो प्लांट हैं वो इसके अंदर आते हैं, हर्ब, शर्ब और ट्री। देखिए, हर्ब यानी छोटे शाकीय पौधे, जिसके अंदर हम कह सकते हैं जैसे दूब घास हो गई, साइनोडॉन। एक हम कह देते हैं सर्ब यानी झाड़ी, जिसके अंदर हम कैलोट्रोपिस या आक को बता सकते हैं, और ट्री यानी थोड़े बड़े पादप जो द्विवर्षीय हो सकते हैं, बहुवर्षीय हो सकते हैं, जो हमारे आसपास एनवायरनमेंट में दिखाई देते हैं, मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्म होते हैं, जैसे नीम हो गया, पीपल हो गया, बरगद हो गया। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसके अंदर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की। देखिए, सामान्यतः नाम से पता चल रहा है पीढ़ी एकांतरण का मतलब क्या है, कि इनके जीवन चक्र में, लाइफ साइकिल के अंदर एक से अधिक जनरेशन पाई जाएगी, और ये जनरेशन जो है वो आपस में इंटरचेंज होती रहती है, ये जनरेशन है वो एक दूसरे में आपस में बदलती रहती है, और इसी के लिए एक टर्म का यूज़ किया जाता है पीढ़ी एकांतरण या अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इनमें एंजियोस्पर्म के अंदर जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है वो अस्पष्ट प्रकार का है, यानी ज़्यादा क्लियर नहीं है ये कैसे। देखिए, दो अवस्थाएं पाई जाती हैं इनके अंदर। जो पहली जो प्रावस्था है वो तो होती है डिप्लोइड स्पोरोफाइटिक फेज। डिप्लोइड स्पोरोफाइटिक यानी द्विगुणित बीजाणुद्भिद। और जो नेक्स्ट है, दूसरी अवस्था है
वो होती है हैप्लोइड गैमेटोफाइट अगुणित युग्मकोद्भिद। देखें इसके अंदर थोड़ा सा विस्तार से, तो ये हम बात कर रहे हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की। तो यहाँ पर हमने दो जनरेशन की बात हमने कर ली। पहली जनरेशन या जो हम कह देते हैं मुख्य जो पादप शरीर होता है, मेन प्लांट जो बॉडी होती है, वो होती है हमेशा डिप्लोइड स्पोरोफाइट यानी द्विगुणित बीजाणुद्भिद। इंपॉर्टेंट चीज है ये, पूछा जाता है, एक नंबर का क्वेश्चन पूछ लेगा छोटा, कि एंजियोस्पर्म के अंदर जो मेन प्लांट बॉडी है वो किस प्रकार की होती है, वो कौन सी अवस्था होती है। हम कह सकते हैं द्विगुणित बीजाणुद्भिद या डिप्लोइड स्पोरोफाइटिक। ये फर्स्ट जनरेशन है, प्रथम पीढ़ी है, मेन जनरेशन है, मुख्य पौधा है वो भी इसी प्रकार का होता है। इसके अंदर हम कह देते हैं इस जनरेशन में जो प्लांट है वो रूट स्टेम व लीव्स जड़ तना व पत्ती में क्लियरली डिफ्रेंशिएट होता है। डिप्लोइड स्पोरोफाइटिक फेज के अंदर पौधा जड़ तना व पत्ती में स्पष्ट रूप से विभेदित होता है। यह इसकी मेन जनरेशन है, प्रथम पीढ़ी है, मेन प्लांट बॉडी है। सेकेंड जनरेशन की बात करें तो सेकेंड जनरेशन होती है वो अल्पकालिक होती है, और सेकेंड जनरेशन है वो फर्स्ट जनरेशन पर ही डिपेंड होती है, इसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। देखिए सेकेंड जनरेशन है उसे हम कह देते हैं अगुणित युग्मकोद्भिद, हैप्लोइड गैमेटोफाइट। ये जो हैप्लोइड गैमेटोफाइटिक फेज है यह फेज हमेशा फर्स्ट फेज पर ही डिपेंड होती है, यानी हम कह सकते हैं डिप्लोइड पीढ़ी पर ही विकसित होती है, इसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। अब हम बात कर लेते हैं एंजियोस्पर्म के अंदर पोषण या न्यूट्रिशन से संबंधित। देखिए न्यूट्रिशन से रिलेटेड या न्यूट्रिशन के बेस पर अगर एंजियोस्पर्म को डिवाइड किया जाए तो इसके कुछ पार्ट्स हैं जो हम देखते हैं, निम्न भागों में इसको बांटा जा सकता है। पहला हो गया स्वपोषी या ऑटोट्रॉप्स। हम सभी जानते हैं कि मोस्ट ऑफ जो प्लांट्स हैं वो अपने भोजन का निर्माण फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के द्वारा कार्बोहाइड्रेट के रूप में कर लेते हैं, इन्हें हम कह देते हैं ऑटोट्रॉप्स। नेक्स्ट जो है उसे हम कहते हैं विषमपोषी। सेकंड कैटेगरी कौन सी होगी, विषमपोषी या हेटरोट्रॉप्स। हेटरोट्रॉप्स के अंदर वे सभी प्लांट्स आते हैं जो अपने भोजन का निर्माण खुद नहीं कर पाते और किन्हीं अन्य जीवों से अपना भोजन वो प्राप्त करते हैं। देखिए इसके अंदर एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है अमरबेल, कस्क्यूटा, एक मोनोट्रापा। मोनोट्रापा जो है इसको हम मृत जीवी भी कह सकते हैं, हीटरोट्रॉप्स है, और हीटरोट्रॉप्स के अंदर भी क्या है, सेप्रोफाइटिक प्लांट है। सेप्रोफाइटिक मतलब मृत जीवी। देखिए सेप्रोफाइटिक कैसे है, क्योंकि मोनोट्रापा जो है यह अपने भोजन को प्राप्त करने के लिए किस पर डिपेंड करता है, डेड एलिमेंट्स पर, मृत जीवों पर यह डिपेंड करता है और मृत जीवों से अपना पोषक पदार्थ या भोजन प्राप्त करता है। तो ये सेप्रोफाइटिक प्लांट का एग्जांपल हो गया मोनोट्रापा। दोनों ही एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, अमरबेल और मोनोट्रापा। नेक्स्ट अपने देखें, नेक्स्ट कैटेगरी है कीट बक्सी, इंसेक्टिवरस। ये सुनने में थोड़ा सा विचित्र लगता है कि प्लांट भी इंसेक्टिवरस हो सकते हैं क्या, बिल्कुल इंसेक्टिवरस प्लांट पाए जाते हैं, नेपेंथस, गटपर्णी या यूट्रिकुलेरिया, ये जो प्लांट्स हैं ये इंसेक्टिवरस प्लांट हैं। देखिए एक सामान्य सी जानकारी है, हम सभी जानते हैं कि सभी प्लांट्स को अपनी ग्रोथ करने के लिए कुछ आवश्यक नेसेसरी एलिमेंट है वो चाहिए। नेसेसरी एलिमेंट्स के रूप में हम बात करें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, NPK। देखिए नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जो है ये प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़रूरी है, नेसेसरी एलिमेंट्स के रूप में आते हैं। जब हम कहें, अच्छा एक चीज़ और देख लें इसके अंदर, कि ये जो नाइट्रोजन है, हम सभी को पता है कि नाइट्रोजन जो है वो प्लांट्स सोयल से प्राप्त करते हैं, और सोयल से किस रूप में प्राप्त करते हैं, किस फॉर्म में प्राप्त करते हैं, नाइट्रेट के रूप में। नाइट्रेट सभी जो प्लांट हैं वो नाइट्रोजन की पूर्ति कहाँ से करते हैं, सोयल से करते हैं, मिट्टी से करते हैं, और मृदा से ये नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। अब हम कहें कि कुछ ऐसे प्लांट्स
कुछ ऐसे प्लांट्स जो ऐसे एनवायरनमेंट में ग्रोथ कर गए हैं जहाँ पर सोइल में नाइट्रोजन नहीं है, लैक ऑफ नाइट्रोजन का एनवायरनमेंट हो, नाइट्रोजन की अत्यधिक कमी हो। अब इनको ग्रोथ करने के लिए इन प्लांट्स को क्या चाहिए? नाइट्रोजन चाहिए। और नाइट्रोजन की पूर्ति ये करे कहाँ से, क्योंकि ये किस एनवायरनमेंट के अंदर है? दलदली भूमि के अंदर है, मड एनवायरनमेंट के अंदर है। यहाँ पर ये क्या करेंगे? यहाँ पर ये अपनी जो नाइट्रोजन की पूर्ति है वो किससे करेंगे? इंसेक्ट से करेंगे, कीटों से करेंगे। देखिए कैसे, हम सभी जानते हैं कि कीट जो है वो आर्थ्रोपोडा के इंसेक्ट वर्ग में आते हैं, और इंसेक्ट वर्ग के अंदर बाह्य कंकाल पाया जाता है, एक्सटर्नल जो स्केल्टन पाया जाता है वो किसका होता है? वो काइटिन का होता है। देखिए काइटिन जो है ये तो है कार्बोहाइड्रेट, और जो किरेटिन होती है वो होती है प्रोटीन, जिसे हमारे नाखून वगैरह बाल वगैरह बने होते हैं। यहाँ पर याद रखना है हमें काइटिन। देखिए कीटों का या इंसेक्ट्स का जो बाह्य कंकाल है वो किससे मिलकर बना होता है? काइटिन से। और काइटिन जो है, ये काइटिन एक्चुअल के अंदर है क्या? ये काइटिन है एन एसिटाइल ग्लूकोसेमीन का पॉलीमर, एन एसिटाइल एन एसिटाइल ग्लूको सेमिन। काइटिन जो है ये एन एसिटाइल ग्लूकोसेमिन का बहुलक है। अब हम कहें कि ये जो इंसेक्टिवरस प्लांट है, इन इंसेक्टिवरस प्लांट के अंदर जो लीफ है वो लीफ क्या हो जाती है? कुछ मॉडिफिकेशन कर लेती है, और ये मॉडिफाई होकर ऐसी स्ट्रक्चर बना लेती है जिनके अंदर इंसेक्ट है वो कैप्चर कर लिए जाते हैं। जब इंसेक्ट को कैप्चर कर लिया जाता है तो कुछ केमिकल्स रिलीज किए जाते हैं जिनसे इनके बाह्य कंकाल को, एक्सटर्नल जो स्केल्टन है इसको डिग्रेड किया जाता है, डीकम्पोज किया जाता है, और ये काइटिन जो है इसको किस में तोड़ दिया जाता है? इस काइटिन को एन एसिटाइल ग्लूकोसेमिन में तोड़ दिया जाता है, और यहाँ से ये अपनी नाइट्रोजन की जो कमी है इसको पूरा कर लेते हैं। एंजियोस्पर्म के अंदर द्विनिषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। देखिए ये द्विनिषेचन क्या है, डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, कैसे होता है, कहाँ होता है, ये सारी जो प्रोसीजर है, ये सारी डिटेल है ये नेक्स्ट चैप्टर के अंदर दे रखी है, जो अपने अगले वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे। थोड़ी एक बेसिक इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। एक साइंटिस्ट थे नवाजचीन, और इन नवाजचीन ने फ्रिटिलेरिया व लीलियम के अंदर, द्विनिषेचन को खोजा। द्विनिषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्म के अंदर पाए जाने वाला एक जनरल फीचर है, स्पेसिफिक फीचर है, जो जिम्नोस्पर्म में नहीं पाया जाता, अदर एलिमेंट के अंदर, अदर जो प्लांट्स हैं उनके अंदर नहीं पाया जाता। अब हम कुछ टर्मिनोलॉजी की बात कर लेते हैं जो एंजियोस्पर्म से रिलेटेड है, जो बार बार आगे चैप्टर के अंदर हमें पूछी जाएगी, उससे रिलेटेड चीज़ें आएगी। देखिए पहली जो टर्म है वो है पेडिकल। पेडिकल किसको कहते हैं? देखिए जो फ्लावर होता है उस फ्लावर का जो वृंत है, जो स्टेम पर लगा रहता है, उस वृंत को क्या कह देते हैं? पेडिकल कह देते हैं, स्टाल्क ऑफ फ्लावर, इसे हम कह देते हैं पेडिकल, पुष्प वृंत। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट जो टर्म है वो है ब्रैक्ट। ब्रैक्ट किसे कहते हैं? देखिए ब्रैक्ट जो है सहपत्र, यह तने पर पाई जाने वाली विशिष्ट पत्ती नुमा संरचना है। पाई कहाँ जाती है? ये स्टेम है, और इस स्टेम पर ये पाई जाती है। यहाँ पर देखें ये स्टेम है, और इस स्टेम पर पाई जाने वाली विशिष्ट पत्ती नुमा संरचना है, और इसके अक्ष पर फ्लावर का पेडिकल जुड़ा रहता है। अभी हमने कहा था जो फ्लावर है उस फ्लावर का जो वृंत है, ये वृंत, ये भाग जो है वृंत, ये कहाँ पाया जाता है? ये ब्रैक्ट के अक्ष पर पाया जाता है। देखें एक बार फिर बोलें, हम कहें किसी भी प्लांट के स्टेम पर, तने पर पाई जाने वाली विशिष्ट पत्तीनुमा संरचना, जिसके अक्ष पर फ्लावर का पेडिकल लगा रहता है या पेडिकल जुड़ा रहता है, क्या कहलाती है? ब्रैक्ट कहलाती है। ब्रैक्ट यहाँ पर डायग्राम में आप देख रहे हैं, ये जो ब्रैक्ट है ये कैसी है?
पत्तीनुमा संरचना है, विशिष्ट स्पेसिफिक लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, कहाँ पाई जाती है, स्टेम पर लगी रहती है, और इसके अक्ष पर क्या जुड़ा रहता है, फ्लावर का पेडिकल, इसको हम ब्रैक्ट कह देते हैं। जो नेक्स्ट टर्म है वो है थैलेमस। देखिए थैलेमस किसे कहते हैं, थैलेमस पुष्पीय अक्ष का अंतिम फूला हुआ सिरा जिस पर सारे पुष्पीय चक्र लगे रहते हैं। फ्लावर का जो एक्सिस है, इस फ्लावर एक्सिस का लास्ट पोर्शन, अंतिम भाग जो कुछ फूला हुआ सा रहता है, और उस पर सारे के सारे पुष्पीय चक्र, पुष्पीय चक्र जिसे हम कह देते हैं कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, आगे पढ़ेंगे, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, उमंग, जायांग, ये सारे पाए जाते हैं। ये क्या कहलाता है, थैलेमस। देखिए हम जब फ्लावर की स्ट्रक्चर देखेंगे, मान लिया ये फ्लावर है, तो इस फ्लावर का जो अंतिम भाग है ये कुछ फूला हुआ सा भाग रहता है इस प्रकार से, और ये अंतिम फूला हुआ भाग जो है, इस अंतिम फूले हुए भाग को ही हम क्या कह देते हैं, थैलेमस कह देते हैं। ये जो पोर्शन है, इसी फूले हुए भाग पर क्या पाए जाते हैं, सभी चक्र पाए जाते हैं। थैलेमस के चारों ओर दो बंद या स्टेराइल चक्र, कैलेक्स और कोरोला पाए जाते हैं, स्ट्रक्चर के अंदर आ जाएगा, बाह्य दलपुंज और दलपुंज पाए जाते हैं। देखिए थैलेमस के चारों तरफ हम कह देते हैं दो तो स्टेराइल और दो फर्टाइल। स्टेराइल कौन से, कैलेक्स, कोरोला यानी बाह्य दलपुंज और दलपुंज पाए जाते हैं। पुष्पीय चक्र, अब हम इस जो फ्लावर का जो साइकिल है उसके बारे में बात कर लें। पुष्पीय चक्र में सबसे बाहर तो पाया जाता है कैलेक्स, देखिए सबसे बाहर पाया जाता है कैलेक्स जिसे हम कह देते हैं बाह्य दलपुंज। वह कैलेक्स का जो इंडिविजुअल पार्ट है, एक जो सिंगल पार्ट है कैलेक्स का, उसे हम कह देते हैं सेपल। बाह्य दलपुंज यानी कैलेक्स और सेपल यानी बाह्य दल, याद रखना है। सबसे एक्सटर्नल जो साइकिल होता है फ्लावर में उसे हम कहते हैं कैलेक्स, और उसका इंडिविजुअल पार्ट कहलाता है सेपल। सेकेंड जो साइकिल है उस साइकिल को हम कह देते हैं कोरोला, देखिए कोरोला यानी दलपुंज, और इसका जो इंडिविजुअल पार्ट है उसे हम कह देते हैं पेटल, पेटल यानी दल। देखिए दो चीज़ें हमने यहाँ पर देखी, एक तो हमने कहा कैलेक्स और कोरोला, और इनकी सिंगल यूनिट हम ले लें तो हम कह देते हैं सेपल और पेटल, सेपल और पेटल। देखिए ये इनकी जो सीक्वेंस है वो हमें याद रखनी है। बाहर क्या पाए जाते हैं, सेपल पाए जाते हैं, अंदर क्या पाए जाते हैं, पेटल पाए जाते हैं। इनके नाम को हम इस तरह से ले सकते हैं, पहला अक्षर ले लिया एस, सेपल का एस ले लिया और पेटल का पी ले लिया, अपने चैनल के नाम से याद रख सकते हैं एस पी। बाहर कौन सा सेपल, अंदर कौन सा पेटल। तो ये दो साइकिल हैं जो इनफर्टाइल होते हैं, स्टेराइल होते हैं, बंदे होते हैं और फ्लावर के चारों तरफ पाए जाते हैं। यहाँ पर हम थोड़ा सा फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। अभी हमने बताया था कि फ्लावर के चारों तरफ मेनली चार साइकिल पाए जाते हैं। दो तो हमने कह दिया था कि इनफर्टाइल है, स्टेराइल है, जिनकी हमने बात कर ली थी, कैलेक्स और कोरोला। कैलेक्स को हमने कहा था बाह्य दलपुंज, पुष्प का सबसे बाहरी यानी एक्सटर्नल साइकिल जो बाह्य दलों यानी सेपल्स से मिलकर बना होता है। कोरोला की बात की थी जिसे हमने दलपुंज कहा था। फ्लावर का सेकंड साइकिल है, ये बाहर से भीतर की ओर बढ़ रहे हैं। पुष्प का दूसरा चक्र है जो पेटल्स या दलों से मिलकर बना होता है। तीसरा जो चक्र है इसके बारे में हम बात करते हैं, एंड्रोशियम। देखिए दो तो ये तो इनफर्टाइल थे, लेकिन अब जो साइकिल्स हम जिनके बारे में बात कर रहे हैं वो कैसे हैं, फर्टाइल हैं, एंड्रोशियम या उमंग। फ्लावर का थर्ड साइकिल हो गया, बाहर से भीतर की ओर बढ़ रहे हैं, कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, तो तीसरा चक्र हो गया। अब हम कहें ये जो एंड्रोशियम है, इसी एंड्रोशियम को एंजियोस्पर्म प्लांट में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं। देखें एंजियोस्पर्म पादपों में जो नर जनन अंग है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, उसे हम कह देते हैं एंड्रोशियम। इसका मतलब ये कैसा है, फर्टाइल है, और कैसा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है एंजियोस्पर्म के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को क्या कहा जाता है, एंड्रोशियम या उमंग। अब हम कहें एंड्रोशियम की जो सिंगल यूनिट या जो एक सदस्य होता है उसे हम क्या कह देते हैं, उसे कहते हैं स्टेमन, पुंकेसर, स्टेमन। देखिए ये जो इंग्लिश टर्म है वो ज़्यादा ऑथेंटिक है और वही हमें याद करनी है क्योंकि आगे ये हमारे काम आएगी।
एंड्रोशियम का जो इंडिविजुअल पार्ट है, इंडिविजुअल यूनिट जो है, उसे हमने कह दिया स्टेमन। और स्टेमन जो है, ये स्टेमन जो है, इसके भी आगे पार्ट कर देते हैं। ये मेनली दो पार्ट पाए जाते हैं इसके, एक तो एंथर जिसे पराग कोश कह देते हैं, और एक हो गया फिलामेंट। एक थर्ड पोर्शन दे रखा है जिसे हम कनेक्टिव कह सकते हैं। ये कनेक्टिव क्या कर देता है, एंथर और फिलामेंट को आपस में जोड़ने वाले स्ट्रक्चर है। तो देखिए, हमने देखा कि फ्लावर का बाहर से भीतर की ओर देखें तो थर्ड जो साइकिल है उसे हमने एंड्रोशियम कहा, और एंड्रोशियम एंजियोस्पर्म के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। एंड्रोशियम की जो इंडिविजुअल यूनिट है उसको हमने स्टेमन कह दिया, और स्टेमन के जो पार्ट हैं वो हमने देख लिए, एंथर और फिलामेंट। और ये दोनों पार्ट जो हैं ये किसके द्वारा आपस में कनेक्ट रहते हैं, कनेक्टिव के द्वारा या योजी के द्वारा। बाहर से भीतर की ओर हम देखें तो सबसे भीतर वाला या जो जो फोर्थ साइकिल है, उस फोर्थ साइकिल को हमने नाम दे दिया गाइनोशियम, गाइनोशियम या जायांग, गाइनोशियम या जायांग। देखिए यहाँ पर इस जायांग या गाइनोशियम के कई नाम हैं। इस गाइनोशियम को स्त्री केसर कह सकते हैं, इस गाइनोशियम को पिस्टल कह सकते हैं। यह फ्लावर का सबसे भीतरी भाग है, यह फ्लावर का सबसे भीतरी साइकिल है, और यह एंजियोस्पर्म में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, मादा जनन अंग है। देखिए क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो बेसिक हमें पता है। एंजियोस्पर्म के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट क्या कर, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या कहलाता है, एंड्रोशियम। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या कहलाता है, गाइनोशियम या पिस्टिल। यह जो गाइनोशियम है, यह कार्पल्स या अंडपों से मिलकर बनी हुई संरचना है। देखिए यहाँ पर यह जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है गाइनोशियम, यह गाइनोशियम किससे मिलकर बना होता है, कार्पल्स से मिलकर बना होता है। और जो कार्पल है उसके अंदर हम देख लें कौन कौन सी स्ट्रक्चर पाई जाती है, स्टाइल, स्टिग्मा और ओवरी। ये सारी चीज़ें आगे आ जाएगी डिटेल में। स्टाइल, स्टिग्मा, ओवरी, वृतिका, वृतिकाग्र और अंडाशय। देखिए हमने एंड्रोशियम की इंडिविजुअल यूनिट पढ़ी थी स्टेमन, और स्टेमन को भी हमने बताया था एंथर और फिलामेंट से मिलकर बनी हुई संरचनाएं। इसी प्रकार से यहाँ पर कार्पल की बात की जाए तो यह भी स्टाइल, स्टिग्मा और ओवरी से मिलकर बनी हुई संरचना है। और देखें इससे आगे, ये चीज़ें हम पहले देख चुके हैं, थोड़ा सा और देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए जो फ्लावर जो है, उस फ्लावर के अंदर अगर कंप्लीट फ्लावर है तो उसकी बात कर रहे हैं। कंप्लीट फ्लावर के अंदर जो फ्लावरिंग साइकिल है वो कितने पाए जाते हैं, चार पाए जाते हैं। इनमें से दो तो कैसे होते हैं, सहायक चक्र होते हैं, सहायक चक्र यानी एसेसरी साइकिल होते हैं। इन एसेसरी साइकिल को हमने कहा था ये कौन कौन से, कैलेक्स और कोरोला हो सकते हैं, ये इनफर्टाइल या स्टेराइल थे। दो आवश्यक चक्र होते हैं या जननशील चक्र होते हैं, फर्टाइल, एसेंशियल या रिप्रोडक्टिव होल्स या हम जिसे कह देते हैं साइकिल्स होते हैं। देखिए हम थोड़ी सी फ्लावर की स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। यहाँ पर इस डायग्राम के अंदर, ये एक सिंपल डायग्राम है जो हमें बेसिक चीज़ें क्लियर कर देगा। देखिए फ्लावर के अंदर एक तो स्ट्रक्चर हमने देखी थी थैलेमस, इसके बारे में हमने जब नॉर्मल इसके टर्म्स पढ़ रहे थे उन टर्म्स के टाइम हमने बात की थी। थैलेमस जो है, इसके बारे में हमने कहा था फ्लावर का जो अंतिम सिरा होता है वो कुछ फूला हुआ सा भाग होता है जिस पर फ्लावर के चारों चक्र है वो व्यवस्थित रहते हैं, इसे हम कह देते हैं थैलेमस। इसके बाद बाहर से भीतर की ओर जब हमने संरचनाएं के बारे में पढ़ी थी तो हमने कहा था बाहर से भीतर की ओर अगर कंप्लीट फ्लावर है तो उसके अंदर चार चक्र पाए जाते हैं, कैलेक्स, कोरोला, उसके बाद में दो एंड्रोशियम और गाइनोशियम। देखिए सबसे बाहर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर थी उसको हमने पढ़ा था कैलेक्स, बाह्य दलपुंज। कैलेक्स की सिंगल यूनिट है वो क्या हो गई, सेपल। देखिए ये जो स्ट्रक्चर है सबसे एक्सटर्नल, ये है सेपल। उसके बाद हमने पढ़ा था कैलेक्स के बाद आता है कोरोला, सेकंड जो साइकिल है। कोरोला की जो सिंगल यूनिट है कोरोला की, उसे हम कह देते हैं पेटल, दल। इसके बाद हमने कहा था कि ये जो पेटल और सेपल है ये तो क्या हो गए, एसेसरी साइकिल्स के पार्ट हो गए। इसके बाद हमने कहा था नेसेसरी साइकिल्स, जिसके अंदर हमने कहा था कि जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसको तो हम कह देते हैं एंड्रोशियम, मेल रिप्रोडक्टिव पोर्शन उसको तो एंड्रोशियम कह दिया था। एंड्रोशियम के हमने सिंगल यूनिट या जो फंक्शनल यूनिट है उसको हमने कह दिया था स्टेमन, और स्टेमन के पार्ट बता दिए एंथर और फिलामेंट। देखिए ये जो संरचनाएं हैं ये सारे के सारे हैं स्टेमन, जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है।
स्टेमन के टिप पोर्शन को देखा जाए तो टिप पोर्शन को हम कह देते हैं एंथर। देखिए ये जो डबल कनेक्टेड पार्ट्स जो हमें दिखाई दे रहे हैं ये है एंथर, और एंथर और इसके नीचे जो लंबी जो धागेनुमा फिलामेंट, ये जो फिलामेंट ये हम कह सकते हैं एक लंबी संरचना दिखाई दे रही है, इसे हम फिलामेंट कह देते हैं। इसके बाद हमने कहा था कि सबसे भीतरी पार्ट, या जिसे हमने कहा था सबसे भीतरी साइकिल जो है गाइनोशियम या जायांग, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इसे हमने कह दिया था कार्पल। देखिए कार्पल के जो पार्ट है वो हमने कहा था स्टाइल, स्टिग्मा और ओवरी। देखिए यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ये कार्पल के पार्ट हैं, ये जो है टिप पोर्शन पे ये हो गई स्टिग्मा, ये जो लंबी ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर है इसको हमने कह दिया स्टाइल, और ये कुछ फूली सी संरचना ये हो गई ओवरी। देखिए ओवरी के अंदर ये जो स्ट्रक्चर है कार्पल नहीं है, ये ओव्यूल्स हैं। ओवरी के अंदर क्या पाए जाते हैं? ओव्यूल्स पाए जाते हैं। ये एक फ्लावर की एक बेसिक स्ट्रक्चर थी जो हमने देखी। थैंक यू।